सेमीफाइनल में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से रौंदा। फाइनल में मुकाबला होगा पाकिस्तान से। रोहित शर्मा ने कहा, आज का दिन काफ़ी निराशाजनक रहा। हमने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी की, हम बेहतर गेंदबाजी कर नहीं सके। ये पूरे तरह नॉकआउट मैच के दबाव झेलने का मामला था। सभी खिलाड़ी इस स्थिति को समझने के लिए काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। कई खिलाड़ी आईपीएल के दौरान दबाव वाले मैच खेल चुके हैं। हम गेंदबाजी के दौरान दबाव में दिखे, उसने ओपनर जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने इसका श्रेय देना होगा। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि पहले ओवर में स्विंग मिल रही थी, लेकिन सही दिशा में हमने गेंदबाजी नहीं की। हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में दबाव झेला, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो कर सके। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 16 ओवर में बिना विकेट खोए 170 रन बना लिए। इंग्लैंड के लिए एलेक्स हेल्स ने 47 गेंद पर नाबाद 86 रन बनाए। कप्तान जॉस बटलर ने 49 गेंद पर 80 रन की पारी खेली। भारत के 6 में से 4 गेंदबाज ने 10 से ज़्यादा इकोनॉमी से रन रेट दिए। बटलर और हेल्स की जोड़ी इंग्लैंड को तेजी से शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजी तेज गति से रन बना रहे और इंग्लैंड के लिए मैच आसान रहा। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी पहले 13 ओवर में, दूसरे ओवर में, 8वें ओवर में, 12वें ओवर में, 4थे ओवर में रन बटोरे। 4 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 41 रन हो चुका था। भारत ने अब तक के 3 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन कोई भी विकेट नहीं ले पाया।